हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी की मैराथन बैठक है और बीजेपी विधायकों, सांसदों और कोर ग्रुप की बैठक है। विधायकों को डी पुरंदेश्वरी ने निर्देश दिए हैं बजट सत्र में विधायकों का बेहतर परफॉर्मेंस हो, ये कहा है। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर सभी विधायक सरकार को घेरे और सभी विधायक संगठन के साथ तालमेल बनाकर चले। तो बीजेपी सांसदों के साथ भी पुरंदेश्वरी ने बैठक की है। छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त जारी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिवप्रकाश भी बैठक में मौजूद है। तो ये बैठकों की तीन तस्वीर, अलग अलग तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसदों विधायकों के साथ ही अभी भी बैठक जारी है। डी पुरंदेश्वरी मैराथन बैठकें कर रही हैं और 2023 के चुनाव को लेकर तमाम इश्यू पर चर्चा कर रही है। अभी बजट सत्र है, बजट सत्र में किस तरीके से मुद्दों को उठाना है और सत्ता पक्ष को घेरना है, तमाम विषयों पर चर्चा जारी। इससे पहले बस्तर में भी उन्होंने बड़ी बैठकें की, जहां पर वहां के जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के पदाधिकारियों से चर्चा की थी। अब रायपुर में इस वक्त बैठक हो रही है, विधायकों की बैठक, सांसदों की बैठक और अभी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। तो ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी के बड़ी बैठकों की, जहां पर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बैठकें ले रही हैं। आज उन्होंने पहले विधायकों की बैठक की, उसके बाद सांसदों की बैठक की और अभी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे नेता प्रतिपक्ष। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर जारी है, अभी भी ये बैठक चल रही है। प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की बात है, छत्तीसगढ़ प्रदेश इस बैठक में सभी से चर्चा कर रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा। पहले उन्होंने विधायकों की बैठक की, सांसदों की बैठक की, उसके बाद अब कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त जारी है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी इस बैठक में मौजूद हैं। पिछले कुछ समय से लगातार बैठकें हो रही हैं। बस्तर संभाग की भी बैठक हुई थी, जहां पर आखिरकार बस्तर संभाग में बीजेपी को कम सीटें क्यों मिली, हार का सामना क्यों करना पड़ा, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। वहां के जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा की गई और सबसे अहम बात यह कि बस्तर संभाग की बैठक में किसी भी प्रदेश पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया था, केवल स्थानीय स्तर पर जो पदाधिकारी थे उनसे चर्चा की थी डी पुरंदेश्वरी ने। और आज वो बैठक ही कर रही है, विधायकों, सांसदों और कोर ग्रुप की बैठक। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे सोखी, जो प्रदेश प्रभारी है वो बैठक ले रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ चर्चाएं हो रही है? बिल्कुल, देखिए मैराथन बैठक है, सबसे पहले तो विधायकों की बैठक हुई, फिर सांसदों की बैठक हुई, अभी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। और सर्वप्रथम जो विधायकों को दिशा निर्देश दिए गए कि आगामी बजट सत्र है उस पर कैसे एक साथ होकर जो है राज्य सरकार को घोरे, एक मुद्दे पर सभी विधायक जो है अपनी अपनी बात रखे ऊपर और जो एक साथ जो है राज्य सरकार को घेरे उसके लिए रणनीति बनाई गई है। और निश्चित रूप से इससे पहले देखा गया है कि कई बड़े मुद्दे जो है भाजपा के सामने आए, लेकिन विधायकों की एकजुटता नहीं होने के कारण उन मुद्दों पर जो है राज्य सरकार नहीं घिर पाई या राज्य सरकार को एक जो जवाब देना चाहिए था, जवाब आना था जो विपक्ष की ओर से लेना था, वो नहीं आ पाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विधायक, जो भाजपा के विधायक है, विपक्ष है, वो ही घिरते हुए नजर आए और जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो ही सदन में कहते रहे कि भाजपा में एकजुटता नहीं है, एक नेता की कोई बात सुनती नहीं, एक दूसरे नेता की बात सुनती नहीं, इस तरीके की बातें होती रही। दूसरी जो बैठक थी सबसे प्रमुख यही कि सांसदों की बैठक हुई है और इस बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप अपने लोकसभा क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें, अपने लोकसभा क्षेत्रों में जो है अपनी जो कार्यकाल में किए गए कामकाज
है उसकी जानकारी दें ताकि मालूम चल सके कि किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार जो है कामकाज कर रही है। तीसरी अभी जो बैठक हो रही है वो कोर ग्रुप की बैठक है और इस कोर ग्रुप की बैठक में जो 3 माह के लिए या 2 माह के लिए एक कार्ययोजना बनेगी और उस आधार पर जो है जिला और जो प्रदेश स्तर पर कई तरह के कामकाज है जो पार्टी के गतिविधियां हैं वो इसमें सम्मिलित है। और इस बैठक में डीपुरेंद्रेश्वरी शिवप्रकाश पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विष्णु देसाई जैसे तमाम वरिष्ठ नेता जो है इसमें मौजूद है और निश्चित रूप से सांसद विधायकों को कहा गया है कि वो अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में जनता के साथ सतत संपर्क बनाए रखें ताकि चुनाव के वक्त ये न कहना पड़े कि आप तो चुनाव के समय आए हो, इससे पहले कहा थे गायब थे, जैसे बहुत सारी चीजें जब उस वक्त सुनने में मिलती तो ये चीजें सुनने में नहीं आने। और निश्चित रूप से 15 साल 17 में रही भाजपा को पूरी तरीके से 2023 के लिए वो कैसे सत्ता में वापसी करे इसके लिए पूरी रणनीति बनाई जा रही। देखिए आप सबसे पहले डीपुरेंद्रेश्वरी जो है खुद जो बस्तर के 3 जिलों का दौरा करती है, फिर जो नितिन नवीन है जो सह प्रभारी है वो 4 से 5 जिलों का सरगुजा जिले का जो दौरा करते हैं संभाग का, उसके बाद जो है आप देखिए लगातार जो है बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से सभी जिलों में दौरा किया जाए, सभी जिलों में जो पार्टी के कार्यकर्ता है नेता उनको रिचार्ज किया जाए, सक्रिय किया जाए ताकि 2023 चुनाव में उनको जीत मिल सके। लेकिन इससे पहले कि अहम है बजट सत्र और बजट सत्र को लेकर जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एक साथ आए, क्योंकि इससे पहले कि हमने देखा कि जो बीजेपी के विधायक है उसमें एकजुटता नहीं थी कई मुद्दों को लेकर, तो जो कई बार वॉकआउट जैसे भी जब मामले आए तो कुछ विधायक वॉकआउट कर रहे थे, कुछ विधायकों की रुचि नहीं थी, कुछ विधायक जाना चाह रहे थे, तो कुल मिलाकर एकजुटता जो होनी चाहिए थी वो नहीं दिखी, तो इससे काफी पुरेंद्रेश्वरी जो नाराज दिखाई दी थी। उसके बाद अब देखना होगा कि 7 तारीख से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें किस तरीके से विधायकों का एकजुटता दिखाई देगा। बिल्कुल, और ये तमाम विषय हैं जिस पर लगातार बीजेपी छत्तीसगढ़ बीजेपी फोकस किए हुए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पार्टी का जो प्रदर्शन है विभिन्न स्तरों पर बहुत अच्छा नहीं रहा, जाहिर सी बात है अब फोकस बढ़ गया है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका, नजर बनाए रखिएगा।